नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं विक्रम रावत आज आपके लिए लेकर आया हूँ 14 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चन। दोस्तों हम टोटल जो है कुछ 15 क्वेश्चन हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दीपावली के अवसर पर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, जिस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है। तो ऑप्शन है FAO, WWF, WHO या यूनिसेफ। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सही, पहला वाला है FAO। जो FAO है वह पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य में सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है। ऑप्शन है झारखंड, केरल, असम या मणिपुर। दोस्तों सरना संहिता का एक प्रस्ताव जिस राज्य ने पारित किया है वह झारखंड। दोस्तों झारखंड वह राज्य है जिसने हाल ही में एक सरना संहिता है उस पर एक प्रस्ताव पारित किया है। भारतीय नौसेना की किस नाम से पांचवी स्कॉर्पिन पनडुब्बी का जलावरण किया गया। ऑप्शन है वजीर, INS वजीर या INS करंज या INS अरिदमन या INS अरिहंत। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करंट अफेयर के लिए। भारतीय नौसेना ने किस नाम से पांचवी स्कॉर्पिन पनडुब्बी का जलावरण किया। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ए वाला, जो INS वजीर हैं वह भारतीय नौसेना ने पांचवी स्कॉर्पिन पनडुब्बी का जलावरण किया है। तो वजीर जो नाम है INS वजीर, इसका सही आंसर ए वाला। नेक्स्ट, वर्ष 2021 के लिए मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान संशोधित करके दिया है 9.6%, 8.6%, 5.4% या 9.2%। तो अपना जो आंसर है दोस्तों बी वाला जो अपना आंसर है 8.6% जो है, वर्ष 2021 के लिए मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान संशोधित किया है। तो जो जीडीपी वृद्धि का जो अनुमान है 8.6% रहा है भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक जो अभी पुस्तक लॉन्च हुई है मांझी भिंट के लेखक कौन है। तो जो पुस्तक है मांझी भिंट, तो उसके लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है अनुपम खेर, मनोज त्रिपाठी, राजेंद्र दड्डा या मेरी कॉम। तो अपना जो आंसर है दोस्तों वह है राजेंद्र दड्डा। जो राजेंद्र दड्डा हैं उन्होंने जो पुस्तक है मांझी भिंट उसका लॉन्च किया है। तो मांझी भिंट बहुत याद कर ले दोस्तों, रट ले इस नेम को, मांझी भिंट बहुत इंपॉर्टेंट नेम है और इसके जो लॉन्च करता है राजेंद्र दड्डा, इन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 15 नवंबर, 14 नवंबर, 12 नवंबर या 13 नवंबर। तो अपना जो आंसर है दोस्तों सी वाला, 12 नवंबर। 12 नवंबर को जो है विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट, ITTF महिला विश्व कप 2020 का खिताब किसने जीता। ऑप्शन है वान हेंगवेंग, चेन मेंग, जियोन क्विंग या हंस जांग। तो दोस्तों ये चारों जो चाइनीस मैन हैं इनमें से ITTF महिला कप का जो खिताब जीता है वह है चेन मेंग। तो महिला विश्व कप 2020 का खिताब, ITTF का जो खिताब है वह चेन मेंग ने जीता है। तो अपना जो आंसर रहेगा बी वाला। नेक्स्ट, केंद्र ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए जितनी धनराशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन है 800 करोड़, 500 करोड़, 900 करोड़ या 200 करोड़। तो यह है 800 करोड़। दोस्तों जो केंद्र सरकार है उसने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए 800 करोड़ की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो अपना जो आंसर है दोस्तों ए वाला बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है।
तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 दिया गया है, ये कौन से राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए दिया गया? तो यह है तमिलनाडु। दोस्तों जो तमिलनाडु राज्य है उसने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2000 प्राप्त किया है। और ये जो जल पुरस्कार प्रदान करता है भारत के उपराष्ट्रपति, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर वेंकैया नायडू, उन्होंने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 जो कि तमिलनाडु राज्य को प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया है? तो ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत या रूस। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह है चीन। दोस्तों चीन वह देश है जिसने हाल ही में जो सेवानिवृत्त वहाँ के सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी हैं उनको सहायता प्रदान करने के लिए एक कानून बनाया है। तो अपना जो आंसर है दोस्तों ए वाला, चीन। ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है? तो ऑप्शन दिल्ली, बिहार, पंजाब और राजस्थान। दोस्तों ये कुछ दिन पहले भी चर्चा में था, क्योंकि वह राज्य जिसने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नामक जो अभियान है वह शुरू किया था, तो उस समय भी ये सुर्खियों में रहा था। लेकिन अब ये सुर्खियों में है कि इसने 30 नवंबर तक यह फैसला बढ़ाने का आदेश दिया है। तो ऑप्शन है दिल्ली, बिहार, पंजाब या राजस्थान। तो अपना जो सही आंसर है दोस्तों वह है ए वाला, यानी दिल्ली। दिल्ली जो है दोस्तों उसने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है। उसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 उम्र में निधन हो गया है? तो ऑप्शन है कतर, बहरीन, ओमान या कुवैत। दोस्तों जो ये चारों जो देश हैं अरब देश, इनमें से जो एक देश के प्रिंस हैं खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो ये जो खलीफा हैं ये हैं बहरीन के। तो इसका आंसर रहेगा बी वाला आंसर है बहरीन, जिसके जो प्रिंस हैं खलीफा बिन सलमान अल खलीफा उनका हाल ही में निधन हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ से नामांकित किया है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन हमने 2 दिन पहले भी इस पर चर्चा की थी और आज भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यह है ऑप्शन है अनमोल त्यागी, राहुल सचदेवा, काश पटेल या मनोज पाठक। तो इसका आंसर है दोस्तों सी वाला, काश पटेल। जो काश पटेल हैं उनको अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामांकित किया है, तो बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन को भी हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके बाद वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी भी हमने चर्चा की थी। तो पहले इस क्वेश्चन के दोस्तों हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है रसिंकन बांडा, अमिताभ घोष या अरविंद अडिंग या अरुधिंत रॉय। तो दोस्तों कुछ दिन पहले हमने चर्चा की और इसका जो आंसर है ए वाला, यह रस्किन ब्रांड है उनको टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और वे भारत के प्रसिद्ध लेखक के रूप में भी उभर कर आए हुए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? तो ऑप्शन नेपाल, चीन, रूस या भारत। तो अपना जो आंसर है दोस्तों वह है चीन। जो चीन है उसने हाल ही में दुनिया के सबसे पहले 6G एक्सपेरिमेंट उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। इसके बाद नेक्स्ट, भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला की मालदीव यात्रा के दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन है 7, ऑप्शन सेकंड 8, थर्ड 4 या फोर्थ 3। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये और इसका जो आंसर है 4। दोस्तों जो अभी हाल ही में भारत और मालदीव के विदेश सचिव
हर्षवर्धन श्रृंगला की मालदीव यात्रा के दौरान कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये जो चार दोस्तों जो चार समझौते हैं उस पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर हुए हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, आर्मेनिया, अजरबैजान और किस देश ने विवादित नागोर्ना काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने हेतु एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन चीन, जापान, पाकिस्तान या रूस। तो अपना जो आंसर है दोस्तों वह है सही आंसर है दोस्तों इसका रूस। जो रूस देश है उसने आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस ने विवादित क्षेत्र जो उनका विवादित क्षेत्र है आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस के बीच नागोर्ना काराबाख में एक चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के हेतु एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसका आंसर रहेगा रूस। तो यदि आपको आज का करंट अफेयर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।